हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुप्रतिम और आप देख रहे हो मेरा चैनल रिव्यूज अनबॉक्स, टेक न्यूज का सही ठिकाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक एपिसोड। दोस्तों, आज का जो पहला न्यूज आ रहा है वो हुआई की तरफ से। तो हुआई ऑनर अंडर डिस्प्ले कैमरा का जो पेटेंट है वो फाइल कर दिया है हुआई ने, जो कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। दोस्तों, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये बेसिकली आपका लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन ऑफ द फोन होने वाला है। और आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले ओप्पो और शाओमी ने भी इस तरह के फोन का टीज भी किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भी अदर ब्रांड्स हैं वो भी बहुत ही जल्दी इस तरह का जो इनोवेशन है, इस तरह का अंडर डिस्प्ले कैमरा का जो फीचर है, बहुत ही जल्दी लाने वाला है अपने फोनों में। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा जो अगला अपडेट आता है वो है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी ने रोल आउट कर दिया है अपना स्टेबल कलर OS 6, जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड पाई के ऊपर फॉर रियलमी 2। दोस्तों, ये जो अपडेट है इसमें आपको मिलेगा जून महीने का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच एज वेल आपका इंप्रूव डिफॉल्ट UI थीम। और दोस्तों, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी रियलमी ने ऐड किया है, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन आइकन टू द स्टेटस बार, और आपका ये सपोर्ट करेगा नेविगेशन जेस्चर और राइडिंग मोड जैसे फीचर्स को भी। तो दोस्तों, अगर आप एक रियलमी 2 यूजर है तो ये अपडेट आप जल्दी से अपने फोन में कर लीजिए। और दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप रियलमी 2 में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है, उसका कैमरा, उसका बैटरी बैकअप, उसका स्क्रीन, क्या आपको सबसे अच्छा लगता है। तो हमारा जो अगला न्यूज़ आ रहा है वो है एयरटेल की तरफ से। तो एयरटेल ने कुछ दिन पहले ही अपना ईयरली सब्सक्रिप्शन पैक, जो कि 1699 में आता है, उसमें एक अपडेट किया था 1GB to 1.4GB डेटा जो कि वो दे रहा था। तो दोस्तों, अभी एयरटेल और एक नया प्लान लेके आ चुका है जो कि है 149 रुपीज़ का, जिसमें आपको मिलता है 3GB ऑफ डेटा और उसमें कुछ एडिशनल आपका फीचर्स भी मिलता है, जैसे कि है आपका एयरटेल TV सब्सक्रिप्शन पैक और 300 SMS, अनलिमिटेड कॉल्स। तो दोस्तों, ये जो पैक है ये एयरटेल ने ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक एयरटेल यूज़र हो, अगर आपको लगता है कि ये पैक आपके लिए सुइटेबल है, तो आप इस पैक को जाके एवेल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल यूज़र है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एयरटेल का सबसे अच्छा क्या लगता है, उसका कॉलिंग सर्विस, उसका डेटा, तो आपका प्लान से तो क्या आपको अच्छा लगता है, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा जो अगला न्यूज आ रहा है वो है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल चुपके से काम कर रहा है अपने फोल्डेबल आईपैड के ऊपर, जो कि 5G एनेबल्ड होने वाला है। हाँ दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, इसका जो स्क्रीन है वो फुल्ली फोल्डेड है। और दोस्तों, एज पर द सोर्स जो कि पता चलता है, ये जो टैबलेट है ये अभी तो शायद से लॉन्च नहीं होगा, ये शायद नेक्स्ट ईयर 2020 में हमें देखने को मिले या ना मिले, वो भी हमें पता नहीं है। मगर एज पर द सोर्स हमें पता चलता है कि ये जो टैबलेट है ये 2020 में शायद से एप्पल लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, ये जो सारे टेक्नोलॉजीज है ये तो हर एक ब्रांड कुछ ना कुछ कभी ना कभी लेके आ रहा है, जो कि हमें सुनने और देखने को मिल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा जो अगला न्यूज आ रहा है वो है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया का 6.1 स्मार्टफोन का प्राइस जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया है। हाँ दोस्तों, ये जो फोन पहले अवेलेबल था 8894 रुपीज में, अभी इसका प्राइस हो गया है 6999 का, उसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस। तो उसका बेस वेरिएंट जो है वो है आपका 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, और ये जो अवेलेबिलिटी है वो अभी आपका नोकिया के ऑनलाइन स्टोर में है, और बाकी के जो वेबसाइट है उसमें इसका जो प्राइसिंग है, जो अपडेटेड प्राइसिंग है, वो अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। तो आपको अगर खरीदना पड़ेगा इस प्राइस में तो आपको जाना पड़ेगा इसके ऑनलाइन स्टोर में। मैंने उसका बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। और ये जो फोन है ये और एक वेरिएंट में आता है, जो है 4GB रैम, 32GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 9999। अगर इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये आता है आपका ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 603 SoC चिपसेट के साथ, और इसमें आता है 3000mAh का बैटरी। तो दोस्तों, अगर आप एक नोकिया के फैन हो तो जाके आप ये फोन परचेस कर लो, और मुझे बताना कि आपको नोकिया में अच्छा क्या लगता है। दोस्तों, हमारा जो अगला न्यूज़ आ रहा है वो है शाओमी की तरफ से। तो आपको पता ही होगा, शाओमी ने कुछ दिन पहले एक कैमरा फीचर लॉन्च किया था जो कि था शाओमी का मीमोजीज। तो हाँ दोस्तों, ये बेसिकली एक 3D एनिमेटेड ऐप है, जिसके वजह से आप अपने फेस को कोई भी एनिमेटेड फेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब ये लॉन्च किया गया फीचर, तब शाओमी ने बोला था कि ये बेसिकली एप्पल का जो मेमोजी है उससे इंस्पायर्ड है, ना कि उसका कॉपी है।
मगर दोस्तों आप सोचिए, और एक न्यूज आ रहा है जिसमें Xiaomi ने एप्पल का ये मेमोजी का एड तक कॉपी करके डाल दिया अपने ई कॉमर्स, चाइना के एक ई कॉमर्स वेबसाइट JD.com पे। तो इसका जब तहकीकात किया गया, इसका जब छानबीन किया गया कि भाई हुआ क्या, आपने अचानक से इस तरह के एड्स कैसे डाल दिए, ये तो एप्पल के मेमोजी के एड्स है, तो Xiaomi के जो जनरल मैनेजर हैं PR के, उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक हमारे जो स्टाफ है उन्होंने गलती से ये ऐड को डाल दिया था, ये एक्चुअली दूसरा कुछ ऐड जाने वाला था। तो इस तरह के जो कमेंट है उन्होंने बोला है। मगर आप सोचिए दोस्तों, अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का फीचर, एक तो आप उसका जो फीचर है उसी तरह के कुछ चीज़ें आप लॉन्च करते हो, आप बोलते हो उससे इंस्पायर्ड है, उसके बाद उसका जो एड है वो भी आप कॉपी कर लेते हो, तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग टू सी इन बिटवीन टू बिग ब्रांड्स। दोस्तों हमारा जो अगला न्यूज आ रहा है वो है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना एक बजट ओरिएंटेड टैबलेट जो कि एक गैलेक्सी टैब A8.0। हाँ दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये आता है 8 इंच डिस्प्ले के साथ विथ 5000 mAh बैटरी एंड एनेबल्ड है 4G और वाईफाई का भी। तो दोस्तों इसका अगर फीचर्स का बात करें, इसमें एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसके आगे लगा हुआ है 2 MP का कैमरा और पीछे लगा हुआ है 8 MP का कैमरा। तो दोस्तों इसका अगर प्राइसिंग का बात करें और अवेलेबिलिटी का बात करें, वो अभी तक अनवील नहीं किया है सैमसंग ने, तो शायद बहुत जल्दी ये टैबलेट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जब टैबलेट आप खरीदोगे इसके साथ आपको 2 सब्सक्रिप्शन मिलता है जो कि है YouTube प्रीमियम और Spotify का। तो दोस्तों अभी जो मार्केट में अवेलेबल टैबलेट है सैमसंग का वो है आपका गैलेक्सी टैब A10.0 जो कि 10 इंच का डिस्प्ले के साथ आता है। दोस्तों ये अवेलेबल है Amazon में, उसका जो बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप उसको जाके खरीद सकते हो। उसका जो प्राइस है वो आता है 14,999 में। आप कौन सा टैबलेट यूज़ करते हो वो मुझे आप ज़रूर बताना, अगर नहीं भी करते हो तो मुझे ये बताना कि आपका फेवरेट टैबलेट कौन सा है। दोस्तों हमारा जो अगला न्यूज़ आ रहा है वो है BSNL की तरफ से। तो BSNL ने लॉन्च कर दिया है अपना प्री लोडेड यात्री सिम फॉर अमरनाथ पिलग्रिमेज। दोस्तों ये जो सिम है ये बेसिकली आता है 20,000 सेकेंड टॉक टाइम और 1.5 GB डेटा के साथ। इसका जो वैलिडिटी ये सिर्फ 10 दिन तक ही रहेगा और इसका जो प्राइस है वो है 230 रुपीज़। हाँ दोस्तों, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली है फॉर अमरनाथ यात्रीज के लिए। तो दोस्तों अगर आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो ये सिम ज़रूर से अवेल करें, और आपको ये जो सिम है ये मिल जाएगा कोई भी टूरिस्ट सेंटर में जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों मुझे बताना ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा जो अगला न्यूज़ आ रहा है वो है एक इटालियन लग्जरी ब्रांड गुची की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस ब्रांड ने लॉन्च कर दिया एक AI बेस्ड एप्लीकेशन जो कि है ट्राई ऑन। हाँ दोस्तों, ये बेसिकली है गुची के शूज़ के लिए। तो ये ऐप हेल्प करता है एक कंज्यूमर को लुक एंड फील ऑफ द शूज व्हेन दे आर परचेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, तो बेसिकली ये आप जब ऑनलाइन खरीदोगे इस शू को तो आपको इसका लुक एंड फील पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या रहेगा, इस ऐप को ऑन करके इसमें से आप जो आपका फेवरेट शू है उसको पहले आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके आपके जो फिट है उसमें आप पकड़ोगे। तो जैसे आप उस कैमरा को आप अपने पैरों की तरफ पकड़ोगे तो ये जो सिलेक्ट जो किया है अपने शू को तो वो आपके पैर में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर शू है ये आपको कितना अच्छा मतलब लुक एंड फील देने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के ऐप दूसरे ब्रांड्स भी शायद से लेके आए, और देखता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ऐप है ये इंडिया में कब तक आता है। दोस्तों आज का जो हमारा आखिरी न्यूज़ आ रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की तरफ। तो एक्सबॉक्स बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है अपना एक्सबॉक्स मिनी जो कि आपका अवेलेबल होगा $60 में, यानी कि आपका 41,000 इंडियन रुपीज़ में। हाँ दोस्तों, ये जो एक्सबॉक्स मिनी है ये एक बहुत ही पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस होने वाला है, और इसके जो अदर फीचर्स है वो अभी तक एक्सबॉक्स ने कुछ रिवील किया नहीं है। तो देखते कब तक ये जो एक्सबॉक्स मिनी है ये लॉन्च होता है, और ये जो एक्सबॉक्स मिनी है ये सारे अपकमिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ गेम्स को सपोर्ट करेगा।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट करें, और हाँ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दे, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे फॉर एवरीडेज न्यूज नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर और एक नए टेक एपिसोड के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।